गाइज फाइनली अपने इंडिया सर्वर के अंदर जॉम्बी समुराई बंडल रिटर्न आने के लिए कंफर्म हो चुका है। एंड आप में से यार बहुत बंदों की डिमांड भी थी जॉम्बी समुराई बंडल रिटर्न आए, और कुछ बंदों के कमेंट भी आए थे मुझे कि भाई जॉम्बी समुराई बंडल के ऊपर वीडियो लेके आओ। तो फाइनली गाइज जॉम्बी समुराई बंडल रिटर्न आने वाला है, उसकी कन्फर्म इवेंट एंड कन्फर्म डेट वगैरह निकल के आ चुकी है जो कि इस वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएंगे। एंड साथ में आपको ये बताऊंगा कि उसको निकालने में आपके टोटल कितने डायमंड खर्च होंगे, ठीक है। इसी के साथ में कुछ अपकमिंग इवेंट एंड आइटम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना, और हमेशा एक तरफ से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले गाइज एक भाई के चैनल के बारे में बात कर लेते हैं जिनका नाम है टाइगर जैंक FF, जो कि फ्री फायर की काफी मस्त मस्त गेम प्ले वीडियोस अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पे। एंड इन्होंने जल्दी हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है, तो इनको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड मैं भी चाहता हूं कि यार आप सभी लोग इनको सपोर्ट करें। तो इनके चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो भाई इनको जाके अभी जल्दी से सपोर्ट करिएगा। बाकी गाइज आप यूट्यूब पे जाके भी टाइगर जैंक FF लिखेंगे तो भी इनका चैनल आ जाएगा। एंड इनके काफी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, आप जाके चेकआउट कर लेना। और इनके चैनल टाइगर जैंक FF को अभी जाके सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अपने न्यू मोड की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो बताया था कि आज 9 जून को अपने इंडिया सर्वर के अंदर एक नया मोड आ जाएगा स्पाइडरमैन का, जो पार्कर करके है कुछ, जिसके अंदर गाइस काफी मजा आ रहा है। सही बताऊं ना, मैंने अभी देखा उस मोड को एंड खेला भी उसके अंदर, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ना यार वैसा ही है। क्योंकि मुझे लग रहा था जब स्पाइडरमैन का कोलैबोरेशन है तो हमें कोई ऐसा मोड जरूर से देखने को मिलेगा गेम के अंदर जिसमें हम उछल कूद कर सके, जाल इधर उधर फेंक सके। तो सेम गाइस इस मोड के अंदर ऐसा ही हो रहा है। एंड आप लोग भी अगर खेलोगे ना इस मोड को तो भाई काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। एंड हो सकता है बहुत लोगों ने खेल भी लिया हो ये मोड। इसके अंदर बेसिकली रेसिंग होती है, लेकिन रेसिंग आप गाइस उछल कूद करके कर सकते हो, जाल वगैरह फेंक के कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कल वाली वीडियो बता दिया था एंड फाइनली आज ये मोड आ चुका है। तो जिन बंदों को नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ, भाई जाके खेलो, काफ़ी मजा आने वाला है। जो स्पाइडरमैन के कोलैबोरेशन का इवेंट है ना उसमें भी इतना मजा नहीं आएगा जितना इस मोड के अंदर आने वाला है। तो भाई जाके जोर से खेलना और कमेंट बॉक्स में एक बार बताना जरूर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस मोड के अंदर। एंड इसी के साथ में गाइस अपना जो जुलाई महीने का भुया पास होगा वो मेरे पास आ चुका है। चलिए आपको बारी बारी करके उसके ऑल टोटल आइटम दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं आपको मेन मेन आइटम दिखाऊंगा इस भुया पास के, क्योंकि छोटे छोटे आइटम तो यार बेकार की चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको मेन मेन चीज़ दिखाऊंगा जैसे कि बंडल्स, लूट बॉक्स वगैरह। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे लेवल 10 पे आपको अपना फीमेल का बंडल दिख जाएगा जो कि नॉर्मल सही है भाई, मुझे तो ज़्यादा बढ़िया नहीं लगते हैं भैया पास के फीमेल के बंडल, ठीक है, आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे आप देखोगे इसके लूट बॉक्स वगैरह देख सकते हो, लूट बॉक्स यार देखने में एक मशीन सी लग रहा है, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पे लेवल 50 पे आप देखोगे अपना ये मेल का बंडल। पहले तो उससे यहाँ पे आपको एक गाड़ी की स्किन मिल जाएगी, मतलब ये जो अपनी पिकअप वाली स्किन है ये मिल जाती है 40 लेवल पे। लेकिन गाइस 50 लेवल पे आपको यहाँ पे बंडल मिलेगा अपना जो कि ट्रैप का रहेगा, ठीक है। और गाइस ये बंडल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं मुझे तो, भाई मैं क्या ही बोलूँ। इस बार भैया पास के देख सकते हो भाई, ये तो अपना कस्टमाइज होके रहेगा। बाकी जो यहाँ पे नॉर्मल वाला बंडल है वो भी आप देख सकते हो, नॉर्मल होके तो ये ऐसा रहेगा एंड कस्टमाइज होके ये घोस्ट के रूप में बदल जाएगा। और इसकी जो पेंट है ना वो मुझे गजब लग रही है, ठीक है। तो ये 50 लेवल पे आपको मिल जाएगा भुया पास के अंदर जब आप परचेज कर लेंगे। एंड 80 लेवल पे गाइज आपको ये मिलने वाला है सफर बोर्ड, ठीक है। और भी गाइज यहाँ पे बीच बीच में आपको कुछ अच्छे अच्छे आइटम्स वगैरह मिलते रहेंगे, लेकिन 80 लेवल पे गाइज यहाँ पे सफर बोर्ड आपको मिलने वाला है, और सफर बोर्ड भी गाइज बढ़िया है। और 100 लेवल पे गाइज आपको AK की परमानेंट स्किन मिलने वाली है जिसका नाम है सिटी ऑन फायर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा भुया पास यार अपने 6th एनिवर्सरी पे बेस्ड रहेगा ट्रैप इवेंट पे। एंड इसी के बाद में गाइज आपको 130 लेवल पे इसका एक नाइफ की स्किन मिलने वाली है सिटी डैगर करके, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ये नाइफ की स्किन आपको इसी भुया पास के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी 140 लेवल पे गाइज यहाँ पे आपको एक बैकपैक की स्किन मिलने वाली है DJ टाइप की, ठीक है, तो बढ़िया लग रही है। एंड देन गाइज लेवल 50 पे जो अपना डिटेक्टिव पग है, मतलब डिटेक्टिव जो कुत्ता है उसकी आपको स्किन मिलने वाली है, ठीक है। तो ये ऑल टोटल आइटम गाइज मेन मेन आइटम जो कि अपने ट्रैप वाला जो भुया पास रहेगा अपना 6th एनिवर्सरी पर जो आएगा जुलाई महीने का, उसके अंदर के आइटम्स हैं, ठीक है। ऑल टोटल आइटम मैंने आपको दिखा दिए हैं। एंड चलिए गाइज अब बात करते हैं अपने जॉम्बी समुराई बंडल के बारे में। तो गाइज देखो अपने इंडिया सर्वर के जो मॉडरेटर हैं वो बता रहे हैं अपने जॉम्बी समुराई बंडल रिटर्न के लिए कि जो अपना जॉम्बी समुराई बंडल है वो इस जून महीने के अंदर तो रिटर्न नहीं डाला जाएगा, जुलाई महीने के एंड में या फिर अगस्त महीने के स्टार्टिंग में हमें वो रिटर्न देखने को मिलेगा अपने इंडिया सर्वर के अंदर। एंड इसका भी रीजन है भाई, देखो जून महीना तो पूरा का पूरा यहाँ पे मतलब लगभग आधे से ज़्यादा अपने स्पाइडरमैन के कोलैबोरेशन से भरा हुआ है। एंड देन गाइज यहाँ पे छोटे मोटे इवेंट स्टार्ट होंगे, उसके बाद में अपना 6th एनिवर्सरी जो कि बहुत बड़ा इवेंट रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जुलाई का महीना भाई 6th एनिवर्सरी में जाने वाला है। एंड अगर थोड़ा बहुत जुलाई का महीना बचता भी है तो उसके अंदर हमें जॉम्बी समुराई बंडल रिटर्न मिल सकता है, वरना गाइज अगस्त के महीने में तो अपना जॉम्बी समुराई बंडल रिटर्न आ ही जाएगा। और ये आएगा किस इवेंट में वो भी सुन लो गाइज, ये आप रिंग इवेंट के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फ्री फायर के जो कुछ बड़े बड़े सर्वर हैं उनके अंदर ये रिंग इवेंट के अंदर रिटर्न आया है, जैसा कि आप फोटो देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो रिंग इवेंट के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिलेंगे। एंड भाई देखो रिंग इवेंट बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, अब आप जब भी देख रहे हो जो नए इवेंट आ रहे हैं वो रिंग इवेंट में ही आ रहे हैं, मतलब जो भी नए नए आइटम आ रहे हैं।
तो रिंग इवेंट के अंदर ही हमें गए जॉम्बी समुराई बंडल रिटर्न देखने को मिलेगा। एंड उसका सीन आप सभी को पता ही है गाइस, 1500 से 2000 डायमंड आपके खर्च हो जाएंगे उसको निकालने में। बाकी मैंने तो कोई आइटम निकाला नहीं है रिंग इवेंट से, जिनको निकाला है उनको अच्छी तरीके से पता होगी। बाकी लक भी आपका डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी जैसे ही आता है और कोई इसके रिगार्डिंग कोई लीक्स निकल के आते हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोज में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।